हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, एक्सनेस के बारे में। क्या एक्सनेस इंडिया में सेफ है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन देखने को मिले कि क्या वो इंडिया में एक्सनेस में ट्रेडिंग कर सकता है, क्या वो सेफ है, कहीं उसका फंड यहां पर स्कैम तो नहीं हो सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे क्या एक्सनेस का इंडिया में क्या फ्यूचर है, क्या आपको इसमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो मैक्स्योर वीडियो का आप पूरा देखो, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक होगा तो वो आप ज्वाइन करना, जहां पे मैं फॉरेक्स की एजुकेशन शेयर करता हूं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब सबसे पहले हम बात करें कि क्या एक्सनेस इंडिया में सेफ है। तो आपको सबसे पहले फॉरेक्स के रेगुलेशन के बारे में समझना पड़ेगा इंडिया में, कि इंडिया में क्या रेगुलेशन चल रहे हैं फॉरेक्स को लेकर। फॉरेक्स को लेकर इंडिया के क्लियर रेगुलेशन है कि फॉरेक्स ब्रोकर जो होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। तो रिसेंटली RBI का एक लिस्ट भी देखने को मिला, जिसे फेमा एक्ट के अंडर पे रखा गया। मतलब उन फॉरेक्स ब्रोकर में अगर आप ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं फेमा एक्ट को ब्रेक कर रहे हो। अब फेमा एक्ट के अंडर में आप ऐसा समझो कि अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर आपके साथ स्कैम करता है तो आप उसकी कंप्लेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसा कि क्लियर RBI का यहाँ पर हमें लिस्ट देखने को मिला, उसकी जो भी यहाँ पर नोटिस थी वो देखने को मिला कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपका रिस्क होगा, क्योंकि यहाँ पर RBI इस तरह के किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर को क्लेम नहीं करेगी। अगर किसी तरह का आपके साथ स्कैम होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। तो ऐसे में एक ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो, जो कि ट्रस्टेबल है, वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, आने वाले टाइम में कोई इशू ना आए। बहुत सारे लोगों ने एक्सनेस के ऊपर पूछा कि क्या एक्सनेस ट्रस्टेबल हो सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सनेस 2008 से अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, मतलब एक लंबे टाइम से एक्सनेस अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है, एक्सनेस चल रहा है, और साइप्रस और कई जगह इसके ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि दुबई में इसका ऑफिस नहीं है। इसके टीम से बात करने के बाद मालूम चला कि ये दुबई में भी अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोसेस में है, वहाँ पर भी इसकी ऑफिस ओपन हो जाएगी, बट फिलहाल अभी दुबई में नहीं है। बट वर्ल्ड वाइड चाइना में बात करो, सिंगापुर में बात करो, और बहुत सारे ऐसे कंट्री में वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। तो एक्सनेस एक ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर है। इसका आपको जो रेगुलेशन है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। एक रेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर है जो काफ़ी कंट्री में कवर कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर दुबई में भी बहुत सारे लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो रिसेंटली दुबई में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सनेस को ही चूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्प्रेड वगैरह भी काफ़ी कम होती है और काफ़ी फास्ट डिपॉजिट विड्रॉल का प्रोसेस होता है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि एक्सनेस में विड्रॉल का इशू आ रहा है, बट आई डोंट थिंक कि विड्रॉल का कोई इशू आ रहा है, क्योंकि आज तक कभी भी मैंने नहीं देखा यहाँ पर कि किसी के भी इशू यहाँ पर आए हों। तो यूँ तो आपको छोटे बड़े बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर देखने को मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि उसमें स्प्रेड कम लगती है, किसी तरह का फीस नहीं है, कमीशन नहीं है, बट आप इन सब चीज़ों में मत पड़ना, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया तो जाहिर सी बात है उसकी चार्जेस कुछ ना कुछ होंगे। ठीक इसी तरह से एक्सनेस का भी एक स्प्रेड है, थोड़ा सा लिटिल बिट स्प्रेड आपको देखने को मिलेगा, या फिर आप कमीशन बेस में काम कर सकते हो। मतलब आप एक्सनेस में अगर काम करोगे तो आपको कुछ तो स्प्रेड देना ही पड़ेगा। अगर कोई फॉरेक्स ब्रोकर आपको बताता है कि उसके स्प्रेड भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, तो 100% वो आने वाले टाइम में स्कैम कर सकता है। तो ऐसे मेरा मानना है कि एक्सनेस एक ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर है, आप इसमें काम कर सकते हो। अगर UPI डिपॉजिट करके आप उसमें काम करना चाहते हो तो मंथली का आप 60,000 का अगर ट्रांजेक्शन है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आपका हो रहा है मंथली, तो USDT के थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। तो एक्सनेस का सिक्योर लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हो, और किसी भी तरह का आपका इशू हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे भी कंसल्ट कर सकते हो, या फिर इसका लाइव सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर भी कंसल्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों, नो डाउट एक्सनेस एक ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर है। रिसेंटली हमने ये भी देखा कि इंडिया में कुछ फॉरेक्स ब्रोकर ने लीव किया है, जहां पर FVS ने भी लीव किया और FXTM ने भी यहां पर लीव किया है। रीज़न मैंने आपको बताया था कि अभी आज के टाइम में जो नए फॉरेक्स ब्रोकर है जिसमें इंडिया में वॉल्यूम नहीं आ रहे, उसका काम करना थोड़ा सा इशू यहाँ पर हो रहा है, बट ऑलरेडी जिसके काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है इंडिया से, वो अपनी सर्विस को बंद नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक एक्सनेस अपनी सर्विस को यहाँ पर बंद करने वाला है। और आपने ये भी देखा कि FVS FXTM ने एक डेट दिया था कि वो इस डेट के बाद लोगों को विड्रॉल नहीं दे पाएंगे, अपनी सर्विस को नहीं दे पाएंगे, तो इस डेट से पहले सभी अपने फंड को विड्रॉल कर लें। तो किसी भी ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर का ये चीज़ हमेशा क्लियर होता है कि वो क्लाइंट के पैसे को स्टॉक नहीं करेंगे, क्योंकि
अगर वो क्लाइंट के पैसे को स्टॉप करते हैं तो वर्ल्ड वाइड उसके इमेज यहाँ पर ख़राब होंगी, उसके रेपुटेशन ख़राब होंगे। और जाहिर सी बात है कि कोई जो फॉरेक्स ब्रोकर है जिसे जैसे कि एक्सचेंज अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड चल रही है, तो अगर इंडिया में अपने सर्विसेज को अपने विड्रॉल को स्टॉप करेगी तो वर्ल्ड वाइड इसकी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर अपने रेपुटेशन को ख़राब नहीं करना चाहेगी। तो ऐसे में तो किसी भी कंट्री का अगर कोई भी इशू आए तो एक्सचेंज कभी भी अपने विड्रॉल को स्टॉप नहीं करेगी, आपको एक टाइम दिया जाएगा अगर फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी आपको विड्रॉल के लिए टाइम दिया जाएगा कि आप अपना विड्रॉल यहां से निकाल लो। तो दोस्तों एक्सचेंज एक ट्रस्टेबल फॉरेक्स ब्रोकर है, आप इसमें काम कर सकते हो। UPI से छोटे मोटे अमाउंट अगर ट्रांजेक्शन है मंथली तो ठीक है, बाकी बड़े ट्रांजेक्शन आपको करना है तो USDT के जरिए कर सकते हो, जहां पर आप बाईबिट से USDT बाई करके डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हो। तो इन सब का सिक्योर लिंक आपको रिसेप्शन पे होगा, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, काम शुरू कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो गुड बाय, जय हिंद।